शहरी विकास विभाग गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का संचालन कर रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उन्नत करना है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर पालिका परिषद ज्वालामुखी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा, शहरी विकास विभाग गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का संचालन कर रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उन्नत करना है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर पालिका परिषद ज्वालामुखी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही सरकार ने पदभार संभालते ही शहरी क्षेत्रों की उन्नति की और प्राथमिकता के साथ कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत अभी तक 2,398 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 1,780 समूहों को 10,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक 103 एरिया रिवॉल्विंग फेडरेशन बनाए गए हैं, जिसमें 74 स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के दौरान गठन के 3 माह पूरे हो चुके हैं। 570 स्वयं सहायता समूहों को 10,000 एवं 22 एरिया लेवल फेडरेशन को 68 शहरी निकायों में रेहड़ी फेड़ी वालों को सर्वे करवाया गया तथा लगभग 5,000 रेहड़ी फेड़ी वालों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में शहरी आजीविका मिशन के तहत 13 रैन बसेरों के नवीनीकरण के लिए 186 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्यक्ष शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर पूर्व एवं हिमालयन राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर चुना गया तथा पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान एवं प्रशंसित पत्र प्रदान किया गया। सरवीण चौधरी एवं रमेश दवाला ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनकी कृतियों की सराहना की। इस अवसर पर जीके एजुकेशनल ट्रस्ट, IISD, DAV ITC, IRIS लर्निंग और कल्पना चावला संस्थान के साथ दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत MOU भी हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक शहरी विकास विभाग केसी गौड़, SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, अध्यक्ष नगर परिषद भावना सूद, विभिन्न नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारी, विभिन्न विभागों से आए अधिकारी व कर्मचारी अथवा नगर परिषद के सदस्य उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय आज यहाँ पर ज्वालामुखी में रखा गया है। शहरी समृद्धि उत्सव 2020 का कार्यशाला आज इस प्रदेश की, हमारा सौभाग्य है कि हम ज्वालामुखी में माँ ज्वाला के चरणों में ये स्थान चुनके इस काम को पूरा करने वाले हैं। और हमारे बीच में मेरे बड़े भाई और यादव से ये काम पूरा संपूर्ण हो और केंद्र को हम उसके फास्ट प्रोग्रेस जो है हमने उसमें क्या किया है वो भी उपलब्ध करवा सके। हमारे बीच में आज लगभग 18 PO आए हैं, कितने पोस्टेड हैं अभी हमारे टोटल, और वे केवल सरकारी नौकरियों की ओर ही न भागे अभी तो अपने सरोकार पर दक्ष होकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने की प्रवृत्ति नहीं पाए। बहुत बखूबी हमारे बीच में माननीय सामने पूरा जो मैंने कहना था वो उन्होंने उस चीज को पूरी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। पैनल ट्रिक जो हमारा धंधा था, काम का था, उसको पुनः की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को कितना जागरूक कर सके, कितनी अवेयरनेस हम उनमें पैदा कर सके कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये आप महिलाएं आई हैं यहाँ पे और अक्सर आप जो हैं वो परिवार की सूत्रधार हैं,
को पता होता है, परिवार की कहते हैं ना कि परिवार की होम मिनिस्टर आप होती है, आप परिवार को कैसे चलाएंगे, आप परिवार की मुखिया है। तो इसलिए हमें इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ाए जाए, हमारी परिवार की आज जो है वो तो मेरे घर बच्चों की पढ़ाई से लेकर के रोज कम ला रहे हैं। तो इसलिए